महात्मा गांधी और उनका शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य शरीर मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को सर्वांगीण रूप से सामने लाना है। साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और शुरुआत भी नहीं है, यह केवल एक साधन है जिससे पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बच्चे की शिक्षा की शुरुआत उसे एक उपयोगी हस्तकला सिखाकर और प्रशिक्षण शुरू करने के क्षण से ही उसे प्रदान करने में सक्षम बनाकर करूंगा। मेरा मानना है कि मन और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है ऐसी शिक्षा प्रणाली के तहत। केवल प्रत्येक हस्तकला को न केवल यांत्रिक रूप से सिखाया जाना चाहिए जैसा कि आज किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिखाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का क्यों और कैसे का पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का उपयुक्त संक्षिप्त कथन शिक्षा के बारे में उनके विचारों, उनके शिक्षा दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त है। यह उन लोगों की आंखें खोलने के लिए भी पर्याप्त है जो शिक्षा पर गांधी जी के विचारों को हल्के में लेते हैं। साथियों, जैसा कि उनके अहिंसक कार्रवाई के दर्शन के मामले में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में और बाद में चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में और भारत में अन्य स्थानों पर देखने को मिला। इससे पहले उनके अहिंसा दर्शन को महज सैद्धांतिक यूटोपियन माना जाता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके अहिंसक कार्यों और चंपारण, खेड़ा और भारत के अन्य स्थानों पर किए गए सत्याग्रहों की सफलता के बाद पूरी दुनिया गांधी के अहिंसा दर्शन के मूल्यों को और उसकी परिधि का आकलन कर सकती थी, स्वतः लोग उनका नाम लेते थे। महात्मा गांधी की अहिंसा आधारित जन कार्रवाइयों ने उन लोगों को भी पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया जो यह मानते थे कि विश्व इतिहास में हिंसा के बिना वर्ग संघर्ष की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शिक्षा के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण से परिचित होने के बाद विशेष रूप से चर्चा के आरंभ में उद्धृत गांधी के स्वयं के कथन को केंद्र में रखकर जो लोग उन्हें अकादमिक दृष्टि से विद्वान नहीं मानते हैं उन्हें एहसास होगा कि उनका दृष्टिकोण कितना सही, सार्थक और विचार करने योग्य है। शिक्षा को महात्मा ने हमेशा अपने दिल के करीब रखा। शिक्षा के बारे में गांधी के विचार उनके वक्तव्यों के माध्यम से सामने आते हैं। उनके लेख समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन में विशेष रूप से ज्ञान, शिक्षा, अध्ययन आदि के विभिन्न पहलुओं पर छपते रहे हैं और उनके संबोधन शिक्षण संस्थाओं में वास्तव में उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन का क्रांतिकारी प्रकृति को खूबसूरती से पेश किया। महात्मा गांधी ने शिक्षा को लेकर एक गंभीर प्रयास किए। ऐसा दर्शन किसी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए मेरे विचार से महात्मा गांधी दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे अग्रणी शिक्षाविदों में से एक हैं। गांधी जी की शिक्षा नीति पर एक विशेष एपिसोड लेकर हम फिर आएंगे। साथियों, सन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद शिक्षा के विकास को लेकर सबसे अधिक जरूरी मानते हुए इसमें तेजी से विस्तार किया जाने लगा। साथ ही ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा का संबंध जहां केवल एक परंपरागत विषय से हुआ करता था, वहीं आजाद भारत में अनेक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाने लगा। शिक्षा में होने वाले इस विस्तार को इस तथ्य से आप आराम से समझ सकते हैं कि सन 1950 में भारत में जहां विद्यालयों की कुल संख्या 230,000 यानी 2,30,000 थी, वहीं बढ़कर 10,00,000 से भी अधिक हो चुकी है।
सन 1950 में विद्यालयों में जहां 2.4 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आज देश में 14 वर्ष की आयु के लगभग 92% बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सामाजिक कल्याण के लिए विकलांग बच्चों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को शिक्षा की विशेष सुविधा दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रगतिशील बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। वैज्ञानिक शिक्षा के विकास के लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तथा मेडिकल कॉलेज के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार भारत में शिक्षा को आज आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। साथियों, फिर जरूरत पड़ गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में लाई गई। भारत में शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोगों की स्थापना हुई, जिनकी सिफारिश के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया। इस संबंध में सन 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम शिक्षा के नीति पर बात करें तो 1986 की नीति की चर्चा करना बहुत जरूरी है। यह नीति उन उद्देश्यों को लेकर लागू की गई जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है या समझने की कोशिश की जा सकती है। 1986 के शिक्षा नीति में प्रथम बिंदु था कि एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के द्वारा भारतीयों में ज्ञान, उद्देश्यपूर्ण जीवन तथा आत्मविश्वास को बढ़ाया जाना है। दूसरा बिंदु था कि शिक्षा को इस तरह नियोजित करना जिससे उसे सामाजिक विकास, भौतिक कल्याण, राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा न्याय पर आधारित गुणा के विकास का माध्यम बनाया जा सके। साथियों, तीसरा बिंदु था कि शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन करके इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए ताकि समाज में शिक्षा को समझा जाए। चौथा पॉइंट था कि शिक्षा के द्वारा एक ऐसी सामाजिक चेतना विकसित किया जाए जिसे विभिन्न संघर्षों और तनाव को कम किया जा सके ताकि लोगों में संघर्ष और तनाव न हो। पांचवा पॉइंट था कि शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के साथ ही सभी को विकास के समान अवसर मिल सके, सबको समान शिक्षा मिल सके। छठा पॉइंट था कि नागरिकों में बंधुत्व की भावना, व्यक्तित्व गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि किया जा सके। सातवां पॉइंट था कि शिक्षा के माध्यम से उन मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाए जो वैज्ञानिक, नैतिक और विवेकपूर्ण हो, उनको जोर दिया जाए, उन पर बल दिया जाए। एट्थ पॉइंट था कि शिक्षा के द्वारा देश की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, राष्ट्रीय एकता, मिलीजुली संस्कृति से परिचय कराने के साथ ही साथ धार्मिक और जातिगत विभाजन के दोषों से अवगत कराया जाए, क्योंकि देश में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, उसकी बहुत बड़ी क्षति हुई। छात्रों को, अगला पॉइंट है कि छात्रों को अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति जागरूक बनाना तथा अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास पैदा करना, ये 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों में श्रम और हाथ से काम के प्रति गौरव की भावना पैदा करना है जिससे उनकी व्यवसायिक शिक्षा में वृद्धि हो। 11वां पॉइंट था कि अध्यापकों को लेकर अध्यापकों की मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन करके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। इस शिक्षा नीति के आधार पर 7वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया गया था। उच्च शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय को कम करके प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। साथियों, मैंने प्रयास किया कि आज का ये टॉपिक गांधी शिक्षा योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर एक रूपरेखा प्रस्तुत किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।